We're talking about a game changer. Game changer that's going to change the landscape. Toyota company एक ऐसी गाड़ी बना रही है जिसे हम पानी डाल के चला सकेंगे. Yes, you heard that right. पेट्रोल की टंकी में पानी जाएगा और चांसेस हैं इससे वो सभी कंपनीज इंक्लूडिंग इलॉन मस्क की टेस्ला जो अभी सबसे इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने का दावा कर रही है उनका धंधा ठप पड़ सकता है क्योंकि टोयोटा का ये नया इंजन भी एक बहुत ही इको फ्रेंडली कंबशन इंजन होने वाला है जिसके फ्यूल टैंक में तो पानी डलता ही है पर उसके एग्जॉस्ट से भी पानी ही बाहर निकलता है एंड येट वो किसी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक इंजन जितना पावर प्रोड्यूस करता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज आखिर टोयोटा अपने इंजन में पानी को कैसे जलाने वाला है. क्या इन्होंने साधारण पानी की कोई ऐसी खूबी ढूंढ निकाली है जो इन सभी बड़े बड़े जायंट कंपनीज के नजरों से छूट गई. ऑल्सो अभी के इंजन्स का ना पानी के साथ कुछ ऐसा सीन है जैसे पानी का सीन है बिल्लियों के साथ. कभी गलती से भी अगर पानी किसी इंजन या फ्यूल टैंक में चले जाता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, मेटल पूरी तरह से सड़ जाता है. सो टोयोटा आखिर इंजन के दुश्मन पानी को इंजन का सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनाएगा और टेस्ला आज के तारीख में हमें ईवी इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर क्यों नहीं लगता हो. लेकिन सच बात तो यह है कि टोयोटा ने तो 1997 में ही दुनिया की पहली सक्सेसफुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी और इन्होंने टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों को लाइमलाइट में भी लाया था. तो फिर क्यों आज ईवी का ट्रेंड छोड़कर टोयोटा इस वाटर इंजन का ट्रेंड सेटर क्यों बनना चाहता है? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो इलॉन मस्क की विजनरी आंखें भी नहीं देख पा रही? Well, अगर आप टोयोटा का माइंडसेट समझ गए ना तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे. सो बिना देरी किए चलिए समझते हैं टोयोटा कैसे अपने वाटर इंजन से कार इंडस्ट्री की मेहनत पर पानी फेरने वाला. तो देखो फ्रेंड्स, टोयोटा ना एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनीज की तरह भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनती बल्कि खुद ट्रेंड को सेट करती है जिस ट्रेंड को फिर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती है और इसीलिए उनका मेजर फोकस होता है इनोवेशन इनोवेशन एंड ओनली इनोवेशन. अपने इसी इनोवेटिव अप्रोच की वजह से 1990s में पूरी दुनिया जहां पर ईवीज के बारे में सोच भी नहीं रही थी वहीं पर टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस लॉन्च करके उसी कार मार्केट में ईवीज का एक ट्रेंड भी सेट कर दिया. इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेट 90s में अगर ये कार इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई होती तो शायद अर्ली 2000s में टेस्ला को वो शुरुआती पुश मिलता ही नहीं. खैर व्हाटएवर मे बी द केस, लेकिन समहाउ टोयोटा खुद अपने सक्सेस से खुश नहीं थी. दरअसल अमेरिका जो खुद टेस्ला फोर्ड शेवरोले फियाट जैसे बड़े बड़े कार जायंट्स का घर है वहां भी टोयोटा जैसा एक आउटसाइडर ज्यादा रिलायबल माना जाता है आज के तारीख में. इनफैक्ट यही वजह भी है कि आज के समय अमेरिका में हर 5 में से एक ऑफ रोड गाड़ी टोयोटा की ही होती है. अब ऐसे में जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुआ था और दुनिया भर में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों मिलने लगे तब उन्हें अपने इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ कंसर्निंग फ्लॉज नजर आए और उन्होंने अपने इस ईवी का प्रोडक्शन बंद कर दिया. पर क्या थे वो फ्लॉज जिन्हें छोट मोट मॉडिफिकेशंस के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता था? वेल एक्चुअली में एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्लॉज थे. दरअसल टोयोटा ने जब अपने ईवी मॉडल प्रियस को डिटेल में स्टडी किया तब उन्हें अपने इस मॉडल में दो मेजर प्रॉब्लम्स नजर आए. पहला ये कि भले ईवीज इको फ्रेंडली माने जाते हैं और वो जीरो कार्बन एमिशन करते हैं लेकिन उन्हें चार्ज करवाने वाले चार्जिंग स्टेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो कोल डीजल नेचुरल गैस जलाकर ही आती है. यानी कि टेक्निकली जब भी ईवीज रास्ते पर चलती है तब वो भी तो पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रही है. एंड सेकेंडली ईवीज में जो बैटरीज लगाई जाती है वो मोस्टली लिथियम कोबाल्ट या फिर निकल जैसे रेयर मेटल से बनती है और इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक बैटरी बनाने में इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है कि उतने में ऑलमोस्ट 2 साधारण गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार हो जाए. इनफैक्ट शायद आपको ये पता नहीं होगा पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शोरूम तक पहुंचने से पहले करीब 13,608 किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुकी होती है जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम घोट सकता है. यानी कि ऑल इन ऑल टोयोटा रियलाइज्ड कि इन्हीं फ्लॉज के वजह से ईवीज का मुख्य पर्पस ही बीट हो रहा है और वो बस दिल की तसल्ली के लिए ये रेयर मटेरियल्स को वेस्ट कर रहे हैं. नतीजा उन्होंने ईवीज का डेवलपमेंट बैकफुट पर ले लिया और इंस्टेड कंबशन इंजन वाले साधारण गाड़ियों को इंप्रूव करने पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया स्टार्टिंग विथ चॉइस ऑफ फ्यूल.
बेसिकली शुरुआत से ही टोयोटा को अच्छी तरीके से पता था कि इंजन से भी ज्यादा आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि किसी फ्यूल में कितने केमिकल बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में से कितने बॉन्ड्स आसानी से टूटकर अपने अंदर ट्रैप्ड एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, और उनमें से कितने बॉन्ड्स आधे अधूरे टूटकर कार्बन पॉल्यूटेंट्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब ऐसे में ये बात तो आप सभी साइंस लवर्स जानते होंगे, वो मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एलिमेंट है? वेल, कार्बन, राइट? यानी आप एथेनॉल यूज कर लो, आप केरोसिन यूज कर लो, आप सीएनजी यूज कर लो, उन्हें जलाने पर किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। तो ऐसे में आखिर करें क्या? वेल, एक आइडिया हो सकता है। व्हाट इफ हम हाइड्रोजन H2 यूज करें तो? क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स छोटे होने की वजह से वो किसी फ्यूल टैंक में काफी टाइटली पैक किए जा सकते हैं। यानी कि अगर लेट्स से आप एक फ्यूल टैंक में 24 बॉन्ड्स वाले सिर्फ 4 पेट्रोल मॉलिक्यूल्स भर सकते हो, मगर एक बॉन्ड वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट 100, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की एनर्जी होगी। ऊपर से हाइड्रोजन के आपसी बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होने की वजह से उनके टूटने पर पेट्रोल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिग विन-विन सिचुएशन। इन फैक्ट टोयोटा का ऐसा ही हाइड्रोजन इंजन और हमारा उस पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये दोनों चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, उस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे। हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल होने के साथ साथ एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, यानी उसे अपनी गाड़ी में एक बड़े से टैंक में लेकर घूमना मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब अपने साथ लेकर चल रहे हो। और ऐसे हाइड्रोजन पावर्ड वाली लेट्स से 100 गाड़ियां मुंबई जैसे ट्रैफिक में कहीं पर अगर फंस गई तो बस समझ लो वो कोई ट्रैफिक नहीं बल्कि टिकिंग एटम बॉम्ब है। और इसीलिए इनिशियली टोयोटा को भी अपने इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के आइडिया को भी स्क्रैप करना पड़ गया था, बट इवेंचुअली दे रिटर्न्ड टू द ड्रॉइंग बोर्ड वंस अगेन, बट दिस टाइम विद अ न्यू माइंडसेट। देखो, टोयोटा को इतना पता चल गया था कि इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के अलावा अगर दूसरा कुछ काम कर सकता है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। सो व्हाट इफ हम फिर से जीरो से शुरू करने के बजाय इसी हाइड्रोजन इंजन के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करें तो? यस, प्योर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होता है, पर अगर हम इसी हाइड्रोजन को किसी इम्प्योर फॉर्म में फ्यूल टैंक में डाले तब तो वो इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा, राइट? और बस इसी आइडिया ने जन्म दिया एक वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट को। अब फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को यहाँ पर रियलाइज करते हैं, और ये पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए है थ्रू दिस चैनल। देखो, लाइफ में हम कहीं पर भी अटक जाते हैं, जैसे टोयोटा अटक गई थी, तो हमें हमेशा फॉल बैक करना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग पर। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम को एकदम रूट से आइडेंटिफाई करो। तो जैसे टोयोटा ने यहाँ पर समझा, यहाँ पर प्रॉब्लम हाइड्रोजन इंजन्स नहीं है बल्कि हाइड्रोजन का इनफ्लेमेबल नेचर है, तो हम फंडामेंटली उसके इसी नेचर को किसी तरीके से अगर ट्वीक कर सके तो वी वुड बी एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज ना आपको यूजुअली सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ही आ पाएंगे, वरना प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमारा दिमाग हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और एस्केप रूट देखता है, और फिर हम वो आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। सो अब बढ़ते वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट में आगे। सो पानी चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर हम उसे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो टेक्निकली उसमें ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है, यही इम्प्योरिटी उसको एक्सप्लोसिवनेस से बचाएगी। टोयोटा को अब फाइनली पता चल गया था कि उसे क्या बनाना है, एक्सेप्ट अगेन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दरअसल जब वो इस दिशा में एक प्राइमरी रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ऐसे ऑलरेडी कई लोग हैं जिन्होंने पानी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई है, बस वो गाड़ियां पॉलिटिक्स और इम्प्रैक्टिकल डिजाइंस के वजह से कभी मेनस्ट्रीम नहीं हुई। एक्चुअली 1980s में US में बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से बचने के लिए एक छोटे से अमेरिकन इन्वेंटर स्टैनली मेयर्स ने पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हुए पानी पर चलने वाली एक गाड़ी डिजाइन की थी। मेयर्स के हिसाब से उनकी ये गाड़ी सिर्फ 4 लीटर यानी कि सिर्फ इतने से पानी में 180 किलोमीटर तक चलने में सक्षम थी। लेकिन जैसे ही मेयर्स ने इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा, उन्हें कई ऑयल कंपनीज से धमकियां आने लगी। और इसी बीच 1998 में जब वो एक होटल में अपने इस इन्वेंशन के लिए कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे तब अचानक उनका गला सूखने लगा। वो तेजी से होटल से बाहर भागते हुए नजर आए, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता उनकी जगह पर मौत हो गई। And you know what's even more shocking? उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद उनकी वो गाड़ी और उससे जुड़े सभी डिजाइन्स भी मेयर्स के गराज से मिस्टीरियसली गायब हो गए। कहा जाता है कि अगर वो डिजाइन्स आज होते तो शायद EVs कभी मेनस्ट्रीम हुए ही नहीं होते।
बिकॉज ये लगभग उसी समय की बात है जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी। सो अगर ये वाटर इंजन वाली गाड़ी मेन स्ट्रीम हुई होती तो शायद प्रियस वो पहली और आखिरी ईवी होती जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया में बज भी क्रिएट किया होता। खैर, वंस दिस वाटर इंजन वॉज गॉन, दुनिया के कई और लोगों ने भी वाटर इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन दे हैड नो लक। लाइक अभी 2018 में इंडिया के नागपुर के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने लिटरली एक मारुति 800 को पानी डालकर चलाया था। उन्होंने बेसिकली मारुति 800 के फ्यूल टैंक में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पानी में घोल के डाले थे और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन से जो इनफ्लेमेबल एसिटिलीन गैस पैदा हुई थी उससे उन्होंने अपनी गाड़ी को चलाया था। और ऐसे ही दूसरे भी कई सारे वेरिएंट्स हैं वाटर इंजन के, लेकिन उन सभी में कुछ न कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे। इनमें से तीन सबसे मेजर प्रॉब्लम्स कुछ ये रहे। पहली प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पानी और गाड़ी के फ्यूल टैंक्स ये कॉम्बिनेशन ही एकदम डेडली है, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन मेटल से बने फ्यूल टैंक्स के कांटेक्ट में आते ही उसे सड़ाने लगता है और महज कुछ ही दिनों में आपके गाड़ी के फ्यूल टैंक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डिसॉल्व करने से एसिटिलीन गैस के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी फॉर्म होता है जो फ्यूल टैंक में जमा होकर उसे क्लॉग कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एसिटिलीन से रिलेटेड। एसिटिलीन पानी से ज्यादा कोरोसिव होता है और हाइड्रोजन गैस से ज्यादा अनस्टेबल भी, और ऊपर से ये पॉइजनस भी है। यानी कि ऑल इन ऑल मेयर्स के इंजन का तो पता नहीं कि वो पानी को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिनके बारे में आज हमें पता है उनके डिजाइन काफी इम्प्रैक्टिकल से है। अब ऐसे में आखिर टोयोटा ने पानी से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का रिस्क क्यों लिया, especially knowing that hydrogen or water engines दोनों की अपनी दिक्कतें हैं। Well, यहीं पर Toyota के engineers ने एक wonderful जुगाड़ लगाया। They again went to their drawing boards. फिर अब तक देखे सभी तरह के engines, यानी कि EV, हाइड्रोजन इंजन और इम्प्रैक्टिकल वाटर इंजन, इन सब को उस बोर्ड पर उन्होंने उतारा और फिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए और अंत में एक ऐसा इंजन बनाया जो उन सभी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को मिक्स एंड मैच करके उनकी आपसी कमियों को सॉल्व कर सकता था। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, हाइड्रोजन गाड़ियों के फ्यूल स्टेशंस में क्या होता है, वो एक तरह से ईवीज के चार्जिंग स्टेशन का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। सिर्फ गाड़ी में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी देने के बजाय वो इंस्टेड पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। एंड लास्टली यही सेपरेटेड हाइड्रोजन फिर गाड़ियों के टंकी में भरा जाता है। अब एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हाइड्रोजन से भरा टैंक तो बॉम्ब के बराबर होता है। तो यहाँ पर टोयोटा ने सोचा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन के फ्यूल स्टेशन का पूरा सेटअप डायरेक्टली गाड़ी में ही फिट कर दे। तो इससे होगा ये कि फ्यूल टैंक में इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन की जगह हम सादा पानी रख सकेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए गाड़ियों में बैटरी तो होती है, उतना काफी है। और इन सब के जरिए जो ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन गैस बनेगी वो बिना फटे और बिना कंबशन इंजन को सड़ाए उसे चला भी सकेगी। और रही बात फ्यूल टैंक के सड़ने की, तो उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट ना होने की वजह से उसके अंदरूनी सरफेस को एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल से कोट भी किया जा सकता है। सो कूल राइट? आप देख सकते हो कि कैसे टोयोटा ने पहले बनाए हुए हर एक इंजन में से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को चुना और उन्हीं की मदद से उनके आपसी फ्लॉस को ओवरकम किया। इनफैक्ट यही टोयोटा का डीएनए रहा है, उसकी पहचान है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के समय मूंगफली के दाने जैसा छोटा दिखने वाला जापान यूएस जैसे एडवांस देश के हाथों पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, अपनी गलती को सुधारते हुए जापान और उसकी कंपनीज को कई सालों तक यूएस ने ही पाला। इन्हीं कंपनीज में से एक थी टोयोटा। यस, टोयोटा, ये कंपनी जो एक टाइम पर हैंडलूम्स बनाया करती थी उसे 1950s में गाड़ियां बनाना सिखाकर यूएस ने ही खड़ा किया था। अब मैं ये बैक स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? वेल, सिंपली बिकॉज कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जब अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है ना, वो तभी अपने आप से वो मुख्य सवाल पूछता है कि यहाँ से आगे अब उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है और क्यों जाना है। जब 1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते तक सरवाइव करने जितने पैसे बचे थे, तब हमने भी यही सवाल अपने आप से पूछा था और लो आज हम यहाँ पे हैं। अब 1950s में जब जापानीज लोगों ने अपने आप से ये सवाल पूछा, तब उनके सामने 3 ऑप्शंस थे। पहला, इंडिया जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनकर अनाज एक्सपोर्ट करना। दूसरा, अरब्स की तरह कच्चा तेल बेचकर पैसे कमाना। और तीसरा, पाकिस्तान जैसे यूएस के वॉर्स में उसकी मदद करके उससे अपनी मंथली सैलरी लेना। अब एज यू कैन सी, इनमें से पहला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज मूंगफली जितना छोटा देश मूंगफली बोएगा कहाँ, जगह ही नहीं है उतनी। देन दूसरे ऑप्शन में प्रॉब्लम ये थी कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक तेल, कोयला, आयरन ओर, कॉपर, ये सब जापानीज लोगों को ही पूरे नहीं पड़ते, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। और तीसरे ऑप्शन की दिक्कत ये थी कि उनके देश ने जस्ट अभी युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस झेले,
थे, तो यूएस के नाद में लगकर वापस वहीं पर जाना वो सिंपली सुइसाइड। सो फाइनली यहाँ पर जापान ने सोचा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली वैल्यूएबल हो, तो हम ऐसी मैनमेड चीजें बनाएंगे कि दूसरे देश हमें अपने देश में बुलाकर कहेंगे कि प्लीज हमें भी ये बनाकर दे दो। यानी जापान ने अपने इनोवेटिव दिमाग को वो सेलेबल, वो मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाया। इनफैक्ट यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि टोयोटा या इन जनरल जापान ने कुछ नया बनाया, तो आप इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाते हो। सो या इससे होपफुली आपको अपने लाइफ के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिले होंगे। अब बस सवाल यहां पर ये बचता है कि क्या ये टोयोटा का इनसेन वाटर इंजन ईवी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली आज के समय में जब ईवी कार्स एक अच्छा खासा मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। वेल, अभी एट दिस मोमेंट टोयोटा का ये वाटर पावर्ड इंजन एक कंसेप्चुअल स्टेज पर है, सिर्फ उसका एक प्रोटोटाइप ही रिलीज हुआ है, और इसीलिए हमारे पास भी इसके इन डेप्थ डिटेल्स नहीं है टू से फॉर श्योर। लेकिन अगर प्योरली सिर्फ प्रोटोटाइप के बेसिस पर जज करें, तो मार्केट में उतरने से पहले टोयोटा को इसके दो मेजर प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्टली, इस इंजन में मौजूद बैटरी अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी को स्प्लिट करती है, और फिर पानी से निकला हाइड्रोजन जब टायर घुमाता है तो टेक्निकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर यही घूमते टायर्स किसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह फिर से उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर बैटरी चार्ज होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब तक बैटरी को चार्ज करने के लिए टोयोटा कोई सोलर पैनल वगैरह अपनी गाड़ी में नहीं लगाता, ये एक परपेचुअल इंजन बन जाता है जो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। सेकेंडली, अगर हम इसे प्योरली एनर्जी आउटपुट के टर्म्स में देखें, तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस जलाने पर करीब 121 मेगा जूल्स की एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, उस 1 किलोग्राम गैस को वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बनाने के लिए 180 मेगा जूल्स जितनी एनर्जी लगती है। यानी जितनी एनर्जी हमें हाइड्रोजन से मिल रही है, उससे कई ज्यादा एनर्जी हम उसे बनाने में खर्च कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। अब एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर बनाया जो 95% एफिशिएंसी के साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। So there's still a big hope. लेकिन Toyota as a company अपने first problem से कैसे deal करता है और उसका ये water engine आम लोगों को कितना affordable होगा? यही factors ultimately decide करेंगे कि उनका ये water engine EVs को कितना तगड़ा टक्कर देगा। However, potential is definitely there. खास करके Toyota जैसी बड़ी giant company इस technology को अगर back करे तो। खैर, you know what friends? Japan की तरह एक और एक ऐसा देश है जो एयर ट्रैवल को और ज्यादा किफायती बनाने में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, एंड मोर सो उसके स्पेस एजेंसी नासा के कमर्शियल गाइडेड वेंचर की। नासा ने 2028 में एक ऐसा प्लेन लॉन्च करने का फैसला किया है जो बस एक सिंपल चेंज के जरिए एयर ट्रैवल के खर्चे को 30 गुना कम कर सकता है। अब एग्जैक्टली वो चेंज क्या है? और नासा जो रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च करता है, वो आखिर इस प्लेन्स बनाने के डोमेन में क्या कर रहा है? क्या मजबूरी है कि उसे इस डोमेन में उतरना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब मैंने काफी डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है अपने इस वीडियो में, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी विल ब्लो योर माइंड। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली इस वीडियो ने आपके सामने कुछ न्यू यूनिक क्रिएटिव आइडियाज लेके आए, आपके नॉलेज के रेंज को बढ़ाया। अगर ऐसे वीडियोस को आपको आगे भी देखना है, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ताकि वीडियोस मिस ना हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।